और मतलब इंग्लिश वाला टेक्स्ट जो है उस पर हम एनिमेशन लगाते हैं कि वो लेफ़्ट साइड से आए और उर्दू वाला टेक्स्ट जो है वो राइट साइड से आए। तो हम क्या करते हैं, अब ये इंग्लिश वाला हो चुका है, अब हम उर्दू वाली भी ऐड कर लेते हैं। इसी को डुप्लीकेट कर लो, इसी लेयर को डुप्लीकेट कर लें और उस लेयर को पकड़ के आप थोड़ा ऊपर कर दें, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ उर्दू में टाइप कर लेते हैं, होल्ड करें स्पेस बार को अगर आप गूगल कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, और यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लें। ये लिख लिया, इसका हम फॉन्ट चेंज कर देते हैं, अरेबिक में जाएंगे और यहाँ से फॉन्ट हम चूज कर लेते हैं, पहले वाले सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आ गया, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि उर्दू वाले के ऊपर एनिमेशन लगाते हैं, राइट साइड से स्लाइड करके आए, स्लाइड राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड से ये, और स्पीड से स्लाइड करें या थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, वो यहाँ पे हम एडजस्ट करें। अगर हम 0.5 कर देंगे तो थोड़ा ज़्यादा स्पीड ही आएगा, अगर हम इस तरफ जाते जाएंगे तो उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी। तो फिलहाल हम इसको 0.5 पर रखते हैं, जब ये टेक्स्ट आए तो स्लाइड लेफ्ट हो और जब जाए तो भी स्लाइड लेफ्ट हो, जब वो आउट हो एनिमेशन उसकी तब भी स्लाइड लेफ्ट कर देंगे, जिस तरफ से आया उस तरफ वो चला जाएगा, ठीक है। और अपनी इंग्लिश वाला है तो इसको हम स्लाइड राइट कर लेते हैं। इन एनिमेशन से क्या होगा, वो जब एनिमेशन स्टार्ट होगी और आउट से जब टेक्स्ट हमारा ख़त्म होगा तब जो एनिमेशन प्ले होगी वो, तो स्लाइड राइट सॉरी ये दोस्तों वाला सेट कर लिया, सूफी ये था लिरिक्स, सेलेक्ट करेंगे इसको, इन एनिमेशन पे जाएंगे और इसको हम कर देंगे स्लाइड राइट साइड से, ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन भी हम 0.5 रखते हैं, और जब ये ख़त्म होगा लिरिक्स हमारा तब एनिमेशन प्ले होगी, वो भी हम स्लाइड राइट वाला ही कर देंगे, ठीक है जी। अब ये हमारे पास हो चुके हैं, ये देखें मुझे तो कैसे खुदा के सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम दोनों को पूरी वीडियो क्लिप के ऊपर जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे वो बोल रहा है लिरिक्स जहाँ पे वहाँ वहाँ पे हम इसको कट करते जाएंगे, उसके बाद हम लिरिक्स ऐड करेंगे ताकि सिंक इजीली हो। जैसे अब हम देखते हैं यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इससे पहले चूंकि कोई ये अब चूंकि इससे पहले वाले पोर्शन में वो कुछ नहीं बोल रहा, तो हम इसको पहले वाला पोर्शन जो है वो डिलीट कर देते हैं, कट पे जाएंगे, ट्रिम कर देंगे इसको हम लेफ्ट साइड से, ठीक है। और इसी तरह हम लिरिक्स वाली साइड को भी ट्रिम कर देते हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो अब ये इधर से स्टार्ट होगा बोलना, मुझे तू कैसे खुदा के सपोर्ट कर रहा है, कर रहा है यहाँ तक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे ये, ठीक है। और फिर इंग्लिश वाले को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ से कर देंगे स्प्लिट कर देंगे, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं आगे वो कहाँ से बोलना स्टार्ट करते हैं, देखें ज़रा, मुझे तू कैसे खुदा के सपोर्ट कर रहा है, बस ठीक है। अब नेक्स्ट वाला शुरू हो गया, अब देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करता है ये, ये इधर से, ठीक है। अब प्ले करें, ठीक है। अब इससे पहले ये खामोश था, कोई साउंड नहीं थी हमारे पास, तो इससे पहले वाला पोर्शन हम डिलीट कर देंगे, इंग्लिश वाला सेलेक्ट करें और इसको आप डिलीट कर दें, ठीक है। अब देखिएगा ये हमने स्टार्ट किया, ये खामोश हुआ, फिर स्टार्ट हुआ खुदा हाफिज यहाँ तक, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से सेपरेट कर देते हैं उर्दू वाले के भी और इंग्लिश वाले को भी। अब हम फिर देखते हैं कहाँ से दोबारा बोलना स्टार्ट करता है, ये यहाँ से, तो इससे पहले वाला पोर्शन अब हम डिलीट कर देते हैं। थोड़ा केयरफुल होकर कीजिएगा, बहुत इजी है। याद आई यहाँ तक, अब यहाँ पे हम कर देंगे स्प्लिट कर देंगे इसको,
अब इसके आगे वो नहीं बोल रहा, तो यहाँ तक ही था हमारा क्लिप, तो ये वाला हम डिलीट कर दें। जी जी, अब हमारे पास लिरिक्स सिंक हो चुके हैं, अब जस्ट हमने वो जो बोल रहा है वो ऐड करना है इसके अंदर। मुझे तू कैसे खुदा के सपुर्द कर रहा है, पहले उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर आप गूगल कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप टेक्स्ट टू स्पीच भी कर सकते हैं, आप बोलते जाएंगे वो लिखता जाएगा, मुझे तो कैसे खुदा के सपुर्द कर रहा है। माइक पे से क्लिक करें, मुझे तो कैसे खुदा के सपुर्द कर रहा है, ठीक हो गया जी। अब ये कि मुझसे भाई मिस्टेक बोला गया था, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। आ गया, मुझे तो कैसे खुदा के सपुर्द कर रहा है। ओके, तो ये हमारे पास ऐड हो चुका है। मुझे तो कैसे खुदा के सपुर्द कर रहा है। अब हमने इंग्लिश में लिखना है, तो इंग्लिश वाला सेलेक्ट करेंगे और एडिट करेंगे, इसको सेलेक्ट करके पहले वाला डिलीट कर देंगे, यहाँ से लैंग्वेज चेंज करेंगे इंग्लिश, और फिर दोबारा इस माइक पर टैप कर देंगे। मुझे तो कैसे खुदा के सपुर्द कर रहा है, ठीक है जी, उसने खुद ही टाइप कर दिया सारा। मुझे तो कैसे खुदा, थोड़ी बहुत ही आपको ऐड करनी पड़ेगी लेकिन काफ़ी सारा काम वो कर देगा। मुझे तो कैसे खुदा के सपुर्द, ठीक हो गया जी, ओके हो गया। अब देखें ज़रा, मुझे तो कैसे खुदा के सपुर्द कर रहा है। अभी ये हमारा टेक्स्ट थोड़ा कट रहा है, इसको हम साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये अब देखिए, मुझे तो कैसे खुदा के सपुर्द कर रहा है। मैं तेरे जिम्मा हूँ, तू कह रहा है खुदा, मैं तेरे जुमा हूँ, तू कह रहा है खुदा हाफिज़, सेलेक्ट करेंगे। मैं तेरे जुमा हूँ, तू कह रहा है खुदा हाफिज़, मैं तेरे, इसको सेट कर लेते हैं, जुमा हूँ, तू कह रहा है खुदा हाफिज़, ठीक हो गया जी, ये आ गया। अब उर्दू में उर्दू सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके टैप करेंगे तो सेलेक्ट कर लेगा, सेलेक्ट ऑल करें और यहाँ से बैकस्पेस। मैं तेरे जुम्मे हूँ, तू कह रहा है खुदा हाफिज, मैं तेरे जुम्मे हूँ, जुम्मे हूँ, ठीक हो गया जी, ये ऐड हो गया बस। अब इसको प्ले करते हैं। मैं तेरे जिम्मा हूँ, तू कह रहा है खुदा हाफिज़, अभी ये थोड़ा सा साइज का कम कर लेते हैं। उर्दू का भी थोड़ा सा, या अगर आपके चाहते हो साइज सेम रहे लेकिन ये जो टेक्स्ट ज़्यादा है इसको हम थोड़ा कम कर लें, तो हम यूँ करते हैं कि इसके दो पोर्शन बना लेते हैं। सीखे, मैं तेरे जुम्मा हूँ, यहाँ तक इसको हम काट लेते हैं सेपरेट, और इसी को नीचे भी सेपरेट कर लेते हैं। तो प्ले करें, मैं तेरे जिम्मा हूँ, यहाँ तक रखेंगे, ठीक है, और नीचे वाले को भी हम यही कर लेते हैं, मैं तेरे जिम्मा हूँ, ओके। अब देखते हैं, मैं तेरे जिम्मा हूँ, तू कह रहा खुदा हाफिज़, तू कह रहा खुदा हाफिज़, इससे पहले वाले हम डिलीट करें, और इसी तरह हम नीचे। तो इस तरह से आप थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ओके, अब ये हमें ज़्यादा सूटेबल लग रहा है कि सिंक भी है
और हमारा काम भी हो गया। मैं तेरे जिम्मा हूँ, तू कह रहा खुदा। ठीक हो गया जी, अब ये हमारा लिरिक्स सिंक हो चुका है। इसको हम सिंपली एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ से। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये ले जी, ये हमारी फाइनल वीडियो जो है। मुझे तू कैसे खुदा के सपुर्द कर रहा है, मैं तेरे जिम्मा हूँ, तू कह रहा खुदा। मैं धाड़े मार के रोया, किसी की याद आई, जहाँ कहीं भी सुना या पढ़ा खुदा। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।